हेलो एवरीवन आज हम करने जा रहे हैं सोशलॉजिकल स्कूल ऑफ जूर हमने बाकी सारे स्कूल्स ऑफ जूर कंप्लीट कर लिए हैं आज हम सोशलॉजिकल स्कूल ऑफ़ जूर करने जा रहे हैं इसको ध्यान से करिएगा साथ ही साथ मैंने इससे रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो बना दी होगी जिसमें मैं इसके प्रॉपनन के बारे में आपको समझाया है वो भी एक बार आप लोग देख लेना ताकि आपको पता चले कि पर्टिकुलर प्रॉपनन्ट ने क्या क्या कहा है तो सोशलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरो स्पूडेंट स्टार्ट करते हैं पहले सोशलॉजी से ठीक है क्योंकि सोशलॉजी इसमें आती है अब सोशोलॉजी किस बारे में बात करते हैं ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड बात करती है ह्यूमन रिलेशन इंटरैक्शन इन सोसाइटी हम सोसाइटी में किस तरह से रहते हैं उसके रहने से जूरो कैसे आया लॉ कैसे बना ठीक है इट इज़ द फिलोसफी ऑफ लॉ ठीक है स्टडी ऑफ द फिलोसफी ऑफ लॉ क्या है जूरो और सोसाइटी क्या है ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड तो इन दोनों का इंटरेक्शन जो है उससे रिलेटेड लॉ कैसे बना उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे द रीजन वाई वी एक्सप्लेन दीज टू डिफरेंट फील्ड्स इज बिकॉज ऑल्सो दे आर डिफरेंट ये दोनों अलग अलग है कि लॉ कैसे बना फिलोसफी ऑफ लॉ और सोशोलॉजी बट आर इंटेलिट एंड डिपेंड्स ऑन ईच अदर अब कैसे डिपेंड करते हैं सोशलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरो स्टूडेंट्स इज अ स्कूल ऑफ थॉट दैट फॉर्मली बिलीव दैट लॉ एंड सोसाइटी आर इंटरलिंक्ड हमारे लॉ हमारे सोसाइटी इंटरलिंक्ड हैं ठीक है इफ देयर आर इज अ चेंज इन द सोसाइटी दैन दैट विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द लॉ अब ये कैसे कैसे चेंज करेगा हमने गे मैरिजिज और ये वाली मैरिजेस से रिलेटेड है हमने जो सेक्शन थ्री सेवेंटी है वो हटाया है इन सब चीज़ों से रिलेटेड है ठीक है अब इमरजेंसिस का कैसे हुआ देखो ऑल द क्रेडिट्स ऑफ द इमरजेंस ऑफ द सोशोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट गो टू द डॉक्ट्रीन ऑफ लैसिस फेयर ठीक है इसके बारे में मैंने आपको बताया है लैसिस फेयर अब लैसिस फेयर जो है बेंथम ने भी बताया था पर वो डिफरेंट है यहाँ पे इसके बारे में इसका रेफरेंस जो है वो डिफरेंट है दिस वॉज मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोलूशन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पर यह कॉमन था किस लिए कॉमन था क्योंकि फ्री ट्रेड इंडस्ट्रियल रिवल्यूश हम किससे लिंक करते हैं ट्रेड से अब ये किस लिए था फ्री ट्रेड टू प्रमोट फ्री ट्रेड विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्मेंट गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना हो फ्री ट्रेड हो गवर्मेंट अपना थोड़ा बहुत छुटभिया टैक्स लेते रहे ठीक है उसी से रिलेटेड है दिस आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म ओनली अलाउड द गवर्नमेंट टू इंटरफेयर ड्यूरिंग ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स और ड्यूरिंग ऑल सिचुएशंस वेयर एन इंडिविजुअल वाज फोर्स अगेंस्ट हजदर विल एंड नॉट इन एनी अदर सर्कमस्टांस ऑल्दो दिस होल आइडिया सपोर्टेड ओनली अ फ्यू पीपल इन द सोसाइटी एंड द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इंटरेस्ट वॉज अनहर्ड एंड निगलेक्टेड तो उससे रिलेटेड क्या आया सोशोलॉजिकल स्कूल ऑफ थाट नेक्स्ट अब इसके जूरिस बिहाइंड कौन कौन से मॉन्टेस्क्यू ऑगस्ट कॉम्टे मॉन्टेस्क्यू हमने हिस्टोरिकल में भी पढ़ा है और हिस्टोरिकल और सोशोलॉजिकल काफ़ी सिमिलर है ऑगस्ट कॉम्टे ठीक है लियोन डेगोइट यूजिन एलरिक रॉस्को पॉन्ड और आयरिंग ठीक है कौन कौन हो गए मॉन्टेस्क्यू हो गया ऑगस्ट कॉम्टे हो गए लियोन डिगोट हो गए यूजिन एलरिक हो गए रॉस्को पॉन्ड हो गए और आयरिंग हो गए ये याद रखना छह है year? पढ़ लिया इमरजेंसी कैसे हुआ क्यों हुआ इमरजेंस क्यों हुआ एक वर्ड याद रखना फ्रेंच रिवोल्यूशन की वजह से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से सॉरी ठीक है अब लैसेस क्या है पॉलिसी है मिनिमम गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस इन द ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी ठीक है लेसिस फेयर के बारे में पढ़ लिया पढ़ लो थोड़ा सा अब ड्यू टू लेसिस फेयर ऑल पीपल आर गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू द इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड इग्नोर द जनरल इंटरेस्ट और स्टेट इंटरेस्ट अब इंडिविजुअल इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस दे दी गई है स्टेट इंटरेस्ट जनरल इंटरेस्ट को नहीं दी गई है तो सोशलॉजिकल स्कूल क्यों आया केम आउट एज अ रिएक्शन अगेंस्ट लेसिस फेयर इट केम आउट एज अ रिएक्शन अगेंस्ट लेसिस फेयर बिकॉज सोशोलॉजिकल स्कूल एडवोकेट द बैलेंस बिटवीन वेलफेयर ऑफ द स्टेट एंड इंडिविजुअल क्या इक्वल होना चाहिए स्टेट और इंडिविजुअल का वेलफेयर जो है वो सिमिलर और इक्वल होना चाहिए हम सोसाइटी को एट अ बर्ड्स आई व्यू में रखते हैं तो हमें क्या दिखता है हमें इंस्टीट्यूशन दिखते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन दिखते हैं ये सब किस लिए हैं ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है अब मॉन्टेस्क्यू की एक बुक है स्पिरिट ऑफ लॉ स्पिरिट ठीक है स्पिरिट ऑफ लॉ and law should be determined by the characteristics of a nation so that they should not be relation to the climate of each country to the quality of its soil humne ye already historical school mein pad rakha hai kya kya padha hai ki law jo hai kis related hai relation to climate quality सोल situation वहाँ से related है ठीक है उस country से रिलेटेड commerce manners ठीक है देखो law एक individual नहीं है law किससे सोसाइटी से रिलेटेड है बस इतना याद रखना ठीक है society environment ये दोनों चीज़ें लॉ इन जनरल इज ह्यूमन रीजन इन एज मच एज इट गवर्नस ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ द अर्थ ठीक है द पॉलिटिकल एंड सिविल लॉज ऑफ ईच नेशन ऑट टू बी ओनली द पर्टिकुलर केस इन विच द ह्यूमन रीजन इज अप्लाइड क्या पॉलिटिकल सिविल लॉज जो है हर नेशन के ठीक है ऑट टू बी द ओनली पर्टिकुलर केसेज जहाँ पे ह्यूमन रीजन अप्लाई होता है ही वॉज ऑफ द व्यू दैट द लीगल प्रोसेस इज सम हाउ इन्फ्लुएंस बाई सोशल कंडीशन ऑफ सोसाइटी ऑब्वियसली ठीक है तो बेसिक बातें की गई हैं अब आते हैं यू जी नेलरिक इन्होंने बोला द मेन सोर्स ऑफ लॉ इज सोसाइटी अब क्या मॉन्टेस्क्यू ने एक तरह से इंट्रोडक्शन दे दिया बट जहाँ पे आपको मेन प्रॉपरेंट मार्क करने हैं जी ने उनके आगे जो मॉन्टेस्क्यू के आगे आ रहे हैं वो मेन प्रॉपरेंस हैं इन्होंने बोला सोसाइटी के बारे में और कोर्ट किया दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एनी लीगल डेवलपमेंट इन आर सोसाइटी इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी डेवलपमेंट इन आर लेजिस्लेशन और जुडिशल डिसीजन रैदर बिकॉज ऑफ द सोसाइटी इट्स सोसाइटी में डेवलपमेंट है वो सोसाइटी की वजह से है ठीक है लेजिस्लेचर्स ने कुछ नहीं किया है लेजिस्लेचर्स ने बाद में उसको क्या कर दिया नोट डाउन कर दिया है है ना दैट्स वाई ही कॉल्ड द सोसाइटी एज द मेन सोर्स ऑफ लॉ ठीक है सोसाइटी इज इक्वल्स टू मैन इन एसोसिएशन एंड ही गेव अस अ टर्म लिविंग लॉ इन्होंने एक टर्म दिया लिविंग लॉ ठीक है लॉ क्या है लिविंग है लॉ बढ़ रहा है एक जीता जागते इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं दे आर ग्रोइंग वैसे ही लिविंग लिविंग लॉ बुक इन्होंने लिखी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑल लीगल डेवलपमेंट इज नॉट इन लेजिस्लेशन और जुडिशियल डिसीजन बट इन सोसाइटी इट सेल्फ ये हमें पता ही चल गया है इसके बाद आते हैं रॉस्को पोंड रॉस्को पोंड ने क्या बोला देखो इनको बोलते हैं फादर ऑफ सोशोलॉजिकल स्कूल ये क्या है पिता है रॉस्को पोंड नाम भी इनका अच्छा है दमदार है इसलिए फादर है सोशोलॉजिकल स्कूल के इन्होंने टर्म दिया सोशल इंजीनियरिंग अब देखो हम लोग जहाँ पे भी इंजीनियरिंग लगा देते हैं इंजीनियरिंग सिर्फ हम उससे रिलेट नहीं करते सिविल मतलब इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग या फिर कुछ बनाने से सोशल इंजीनियरिंग भी एक चीज़ है सोसाइटी बनाने के लिए क्या लग रहा है लॉज लग रहा है सोसाइटी खुद लग रही है ठीक है तो इसको बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग अब सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी में क्या है ही कंपेयर्ड लॉयर्स विद द इंजीनियर्स इंजीनियर्स क्या बनाते हैं एक चीज़ें बनाते हैं लॉयर्स क्या बनाते हैं सोसाइटी बनाते हैं ठीक है लॉयर्स विद द इंजीनियर्स एंड इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड टू यूज देर इंजीनियरिंग स्किल्स टू मैनुफैक्चर न्यू प्रोडक्ट सिमिलरली सोशल इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड न्यू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन द सोसाइटी लॉयर्स एक न्यू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन द सोसाइटी बनाने में काम आते हैं ताकि क्या हो मैक्सिमम हैप्पीनेस एंड मिनिमम फ्रिक्शन अकॉर्डिंग टू पॉन लॉ इज सोशल इंजीनियरिंग विच मीन्स अ बैलेंस बिटवीन द कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट इन द सोसाइटी यानी कि इंडिविजुअल और सोसाइटी को हम लोगों ने इक्वल्स टू रखा था ना वेलफेयर तो ये क्या कौन मेंटेन करता है लॉयर्स कौन है लॉयर्स इंजीनियर्स हैं ठीक है तो इंजीनियर्स क्या करेंगे सोसाइटी मेंटेन रखेंगे तो इसको क्या बोला गया सोशल इंजीनियरिंग सोशल इंजीनियरिंग इज द बैलेंस बैलेंसिंग द कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड द स्टेट विद द हेल्प ऑफ लॉ हमें पता चल गया ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ क्या है टू क्रिएट अ बैलेंस इन्होंने बोला बैलेंस हम लोग हर जगह यहाँ पे पढ़ेंगे एक बैलेंस ठीक है इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में बैलेंस अब क्या है इंटरेस्ट थ्योरी इन्होंने इंटरेस्ट थ्योरी भी बोला इंट्रॉको पॉन्ड इन इज इंटरेस्ट थ्योरी मैंशन द थ्री काइंड ऑफ इंटरेस्ट टू अवॉइड द ओवरलैपिंग ऑफ इंटरेस्ट ही पुट बाउंड्रीज एंड डिवाइड द काइंड ऑफ इंटरेस्ट अब इन्होंने पहले बताया कुछ इंटरेस्ट बताए इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्लेम्स एंड डिमांड्स से इन्वाल्व फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल लाइफ विच कंसिस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी इंटरेस्ट इन अब देखो इंडिविजुअल इंटरेस्ट मेरा इंटरेस्ट ये है कि ये मेरी प्रॉपर्टी में इंटरफेयर ना करे किस चीज़ से रिलेटेड हो गया प्रॉपर्टी से रिलेटेड ठीक है अब आ गया पब्लिक इंटरेस्ट क्लेम्स एंड डिज़ायर इज रेटेड बाई इंडिविजुअल फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ पोलिटिकल लाइफ इसमें क्या मान लो आप एग्जाम्पल टैक्सेस ठीक है टैक्सेस अब सोशल इंटरेस्ट दीज आर द क्लेम्स और डिमांड्स इन टर्म्स ऑफ सोशल लाइफ विच मींस टू फुलफिल ऑल नीड्स ऑफ सोसाइटी एज अ होल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इट इंटरेस्ट इन द प्रिजर्वेशन ऑफ जनरल पीस हेल्थ इसमें क्या क्या हेल्थ आ गया ठीक है हेल्थ आ गया सिक्योरिटी आ गया ये सारी चीजें आ गई पुलिस मेनली पुलिस आ गई ठीक है तो हमें समझ में आ गया प्रॉपर्टी ये हो गया सिविल लॉ ठीक है टैक्सेस ये भी एक तरह से हो गया सिविल लॉ ठीक है और हेल्थ और ये सारे क्या हो गए इसमें आ गया क्रिमिनल ठीक इस है इसमें क्या आ गया क्रिमिनल लॉ हेल्थ को कोई एफेक्ट करेगा तो ऑब्वियसली क्राइम होगा तो सोशल इंटरेस्ट यानी कि सोसाइटी को जो मेंटेन रखते हैं पुलिस वाले एक तरह से पब्लिक इंटरेस्ट आप समझ रहे हो पब्लिक एट लार्ज और इंडिविजुअल इंटरेस्ट एक खुद का इंटरेस्ट यानी कि प्रॉपर्टी ट्रेस पासिंग इन सबसे रिलेटेड अब इनके कुछ जूरल पॉस्टुलेट्स थे ठीक है ही क्लब्ड ऑल द रिलेवेंट एंड वाइटल इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एंड स्टेटेड फाइव गाइडलाइंस ऑफ जूरल पॉस्टुलेट्स एंड दैट वी हैव टू नरिश देम एंड प्रोटेक्ट देम द फॉलोइंग आर सबसे पहले क्या क्रिमिनल लॉ ठीक है दैट देयर शुडेंट बी एनी यूज ऑफ एग्रेशन अमंग द पीपल इन सोसाइटी क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड एग्रेशन नहीं होना चाहिए ठीक है जो कि क्रिमिनल ट्रायल्स को लीड करेगा पनिशमेंट बढ़ेगी सोसाइटी में हाहाकार मचेगा तो क्रिमिनल लॉ गया लॉ ऑफ पेटेंट पेटेंट लॉ तुम्हें किसी की चीज़ें नहीं इन्वेंशन नहीं चोरी करना है इससे रिलेटेड है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑल प्रोमिस हर एक प्रोमिस तुम्हें मेंटेन करना है मेरा वचन ही मेरा शासन है और उस शासन को खराब नहीं करना है लॉ ऑफ टॉट्स दट एनी काइंडफ नेग्लीजेंस रॉन्गफुल एक्ट तुम करोगे सोसाइटी में हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे ठीक है और दैट दट विल भी गवर्न बाई टॉट लॉज एंड कंपलशन बी इम्पोज विद फाइन नेक्स्ट इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी दट एनी वन इन द सोसाइटी कीप्स अ डेंजरस गुड डेंजरस चीज़ें आपके यहाँ हैं तो फिर क्या होगा आप पे पनिशमेंट होगी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है आपकी तो क्या है सारी चीज़ें क्रिमिनल लॉ हो गया अब आप बोलोगे आगे तो सारे सिविल लॉज हैं सिविल लॉज हैं ठीक है और ये क्या है क्रिमिनल लॉ लास्ट वाला भी क्रिमिनल लॉ है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्रिमिनल लॉ में आता है लॉ ऑफ पेटेंट भी एक तरह से आ गया वही वाला लॉ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आ गया लॉ ऑफ स्ट्रिक लाइबिलिटी ठीक है और लॉ ऑफ टॉट्स ये दोनों सिविल लॉ हो गए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स लॉ ऑफ टॉट्स तो दो हो गए सिविल लॉ दो हो गए क्रिमिनल लॉ और ये है लॉ ऑफ पेटेंट ये है प्रॉपर्टी लॉ सिविल ही हो गया एक तरह से नेक्स्ट इसके बाद आते हैं प्रोपर्टेंट लियोन डुग्इट मैंने आपको बताया था ना दो गट ठीक है वैसे ही लियोन डुगुट है ही वॉज अ फ्रेंच जूरिस्ट एंड लीडिंग स्कॉलर ऑफ ड्रॉएट पब्लिक He was greatly influenced by the August Comte and Durkheim. ठीक है August Comte और Durkheim से ये बहुत ज़्यादा influence हो गए थे He gave the theory of social solidarity. इन्होंने social solidarity बताया ऊपर हम क्या पढ़ चुके हैं social engineering. इन्होंने बताया social solidarity which explain the social cooperation between individual for their need and existence. इसमें है cooperation. उसमें हम engineering के बारे में lawyers के बारे में पढ़ रहे थे cooperation यानी कि दो social दो लोगों के बारे में ठीक है He took inspiration from Durkheim, who himself had taken inspiration from Comte. Durkheim's main point on which Dugoit built his theory was that he made a distinction between two kinds of needs of man in society. Two kinds of needs were one man's. The first one was common need of individuals, which are satisfied by mutual assistance, mediation. Man, lo, okay. एक वर्ड में मैं हर चीज को रखने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए देखो बहुत पूरी लाइन ना बहुत हौच पौच हो जाती है जलेबी बन जाती है इसलिए मैं एक वर्ड में इसको रख देती हूँ एंड बाई पुटिंग टुगेदर देर सिमिलर एप्टीट्यूड्स ठीक है सॉलिडारिटी बाई स्माइलीट्यूड और मैकेनिकल सॉलिडारिटी पहला क्या हो गया म्यूचुअल असिस्टेंस सॉलिडारिटी आपस में मिलजुल करके सुलझाना सेकेंडली क्या है देर आर डाइवर्स नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स विच आर सैटिस्फाइड बाय एन एक्सचेंज ऑफ सर्विस क्या है डाइवर्स नीड है इंडिविजुअल्स की जो कि सेटिसफाई होती है एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज ईच यूजिंग हिज ओन एप्टीट्यूड्स टू सेटिसफाई द नीड्स ऑफ अदर्स ईच क्या हर कोई क्या यूज़ कर रहा है अपना अपना एप्टीट्यूड यूज़ कर रहा है टू सेटिसफाई द नीड ऑफ अदर पहला क्या होगा आपस में ठीक है आपस में जैसे कि माता पिता ठीक है माता पिता आपस में सुलझाते हैं अब माता पिता में आपस में नहीं सुलझ रही तो आप किसके पास जाते हो एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हो जिसको आप बोलते हो साइकोलॉजिस्ट ठीक है काउंसलर काउंसलर लिख देते हैं ठीक है काउंसलर के पास जाते हो उनके पास खुद के स्किल्स होते हैं ठीक है तो इसमें क्या एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज आप सर्विस देते हो ये हो गया घर की बात ये हो गया बाहर जाकर के एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज दिस डिवीजन ऑफ लेबर इन द प्रीएमिनेंट फैक्ट ऑफ सोशल कोहेजन सॉलिडारिटी यहां पे क्या है सॉलिडारिटी बाय स्माइलीट्यूड बन रहा है यहाँ पे क्या है डिविजन की वजह से सॉलिडारिटी बन रही है आपस में मिलजुल करके तो आपको पता चल गया सॉलिडारिटी हमारे घर से शुरू होती है सोशल सॉलिडारिटी और बाहर तक जाती है अगॉर्डिंग टू डिगोइट लॉ ऑल्सो इज टू सर्व दिस एंड ही सेज दैट लॉ इज रूल विच मैन पोजर्स नॉट बाई वर्च्यू ऑफ एनी हाईय प्रिंसिपल वॉट एवर गुड इंटरेस्ट और हैपीनेस बट बाई वर्च्यू एंड प्री फोर्स ऑफ एक्ट बिकॉज दे लिव इन अ सोसाइटी आप सोसाइटी में रहते हो आपको सोसाइटी की जरूरत है समुद्र के बीच आप अकेले रह नहीं सकते हो इन डिगोइट थ्योरी ऑफ सोशल सोलिडरिटी अ क्वेश्चन एक्ट ऑफ रूल इज फर्दरिंग द सोशल सोलिडारिटी अब कौन डिसाइड करेगा तो इसमें प्रोफेसर लक्ष्य हैं उन्होंने से किया गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ जजेस वुड लॉजिकली अंडर हि सिस्टम बी द फाइनल सेफ गार्ड कौन गवर्नमेंट प्लस जजेस जजेस ये दोनों डिसाइड करेंगे ये दोनों गवर्नमेंट बॉडी होंगी टू फाइनल सेफ गार्ड गार्ड द इंस्टोरक्शन एज अ पार्ट ऑफ द रूल द प्रोस्पेक्ट ऑफ हैंडलिंग द होल मैटर टू द जजेस मे prove सॉरी डेंजरस एंड मे लीड टू जुडिशियल despotism ठीक है समझ में आ गया जुडिशियल देखो द प्रोस्पेक्ट ऑफ हैंडलिंग द होल मैटर टू द जजेस पूरा मैटर जजेस को दे दोगे मे prove डेंजरस इट मे prove डेंजरस एंड मे lead टू जुडिशियल despotism इसलिए क्या है किसको देना है गवर्नमेंट को भी देना है नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं हर्बर्ट स्पेंसर इनके बारे में ज्यादा है नहीं ठीक है हर्बर्ट स्पेंसर गेव अ साइंटिफिक एक्सपोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द सोसाइटी ही अप्लाइड दिस इवोल्यूशनरी ट्रेंड ऑफ सोसाइटी टू सोशोलॉजी द ऑर्गेनिक थ्योरी अब इन्होंने क्या बताया ऑर्गेनिक थ्योरी ठीक है हैज बीन ब्यूटिफुली समराइज बाई प्रोफेसर एलन इन्होंने बताया द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन इन सोशल एस्पेक्ट मीन्स द म्यूचुअल रिलेशन ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ सिविलाइज सोसाइटी यानी कि क्या है आप एक दूसरे पे आप डिपेंड हो माता डिपेंड है पिता पे पिता डिपेंड है माता पे फिर इसके बाद पूरी फैमिली डिपेंड है ग्रैंड पेरेंट्स पे ऐसे ऐसे इंडडिपेंडेंट्स है सोसाइटी में इसीलिए हम लोग ले रहे हैं देखो आपको एक चीज़ तो पता होगी आप किसी से बात क्यों करते हो किसी मतलब से करते हो ये मतलब की बात है ठीक है सोसाइटी ने सोशल सोशल स्कूल ऑफ जोर स्प्रोडेंट्स सिंपल एक बात करी कि आप मतलबी हो वो इतना बता रहे कि आप मतलबी हो आप मतलब से किसी के साथ रह रहे हो और उसको इन्होंने थ्योरी में ला दिया है नेक्स्ट है ऑगस्ट ही इज नोन एज फादर ऑफ सोशोलॉजिकल स्कूल रीजन ही द वर्ड बिंगोलॉजी सबसे पहले सोशोलॉजी वर्ड किसने यूज किया ऑगस्ट कॉम्टे ने फॉर द फर्स्ट टाइम एंड कंपेयर इट टू एन ऑर्गेनिज्म ही सोसाइटी इज लाइक एन ऑर्गेनिज्म एंड इट इट कुड प्रोग्रेस इज गाइडेड साइंटिफिक प्रिंसिपल ये सोसाइटी है बहुत सारे लोग हैं ये प्रोग्रेस करेगी कैसे सोशल प्रिंसिपल्स में रहते हुए अगर आप सोशल प्रिंसिपल्स में नहीं रह रहे हो इंटरडिपेंडेंट नहीं हो तो आप में क्या होगा क्लैशेज होंगे लड़ाई होंगी तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे दस ही मेक्स ग्रेट एफर्ट्स टू यूज द लॉ एज अ टूल बाई विच ह्यूमन सोसाइटी अब देखो लॉ से ये सोशल सॉलिडारिटी बन सकती है इसीलिए हमारे पास इंटरनेशनल लॉज हैं ताकि सोशल सोलिडारिटी बन सके हिज मेथड में ऑल्सो बी कॉल्ड साइंटिफिक पॉजिटिविज्म इन्होंने बोला साइंटिफिक पॉजिटिविज्म बताया पॉजिटिव लॉ हमने पढ़ रखा है पॉजिटिव लॉ यानी कि रिटन लॉज जो कि सोवरन बोले ठीक है अकॉर्डिंग टू हिम सोसाइटीज़ लॉ लॉ लाइक एन ऑर्गेनिज्म साइंटिफिक प्रिंसिपल से चलती है दिस प्रिंसिपल शुड बी फॉमुलेटेड बाई ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ फैक्ट्स ठीक है अब आते हैं आयरिंग आयरिन ने एनालिटिकल और सोशोलॉजिकल को मिला दिया देखो कैसे आयरिंग इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न सोशलॉजिकल जूर स्टूडेंट अब ये भी क्या थे मॉडर्न सोशलॉजिकल जूर स्टूडेंट्स थे क्यों क्योंकि कुछ कुछ पॉजिटिविज्म मिला दिया आगे भी इन्होंने भी कुछ कुछ पॉजिटिविज्म मिला दिया एनालिटिकल और पॉजिटिविज्म तो सेम ही स्कूल है ना इसलिए इन्होंने भी पॉजिटिविज्म मिला दिया अब इन्होंने क्या बोला फर्दर डिफाइंड दैट इट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ टू प्रोटेक्ट द सोशल इंटरेस्ट एंड लॉ गारंटीज आर राइट्स एंड इट इज द स्टेट्स ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द राइट्स इन्होंने बोला प्राइमरी लॉ का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है सोशल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ठीक है लॉ क्या करता है गारंटी करता है राइट्स को ठीक है और इट इज द स्टेट्स ड्यूटी ठीक है टू मेंटेन द लॉ अब स्टेट लॉ बनाती है सोवरेन लॉ बनाता है तो वो क्या हो गया पॉजिटिव स्कूल ऑफ जूर में आ गया यही है एंड मेंटेन हारमेनी बाय वर्किंग एंड प्रोमोटिंग सोशल इंटरेस्ट इन सोसाइटी अब लॉ से सोशल इंटरेस्ट अगर मेंटेन हो रहा है लॉ सोवेरन बनाती है तो कौन बन रहा है एनालिटिकल और सोशलॉजिकल स्कूल मिक्स कर रहे हैं ही लास्टली एक्सप्लेन दट इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्टिटवीन एन इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट दैन द सोसाइटी वुड प्रोटेक्ट द सोशल इंटरेस्ट बिकॉज इट इज द स्टेट्यूट डू सो सिंपल इन्होंने ये बता दिया कि सोसाइटी जो है वो करेगी तो so, इसी के साथ हमारा सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूडो कंप्लीट हो जाता है आई होप आपको अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब थैंक यू